दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, जानते हैं कुछ प्रमुख स्टॉक के रिजल्ट और फिर उसके बाद आप उसके आधार पर इनमें पोजीशन बना सकते हो। जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप निवेश के बारे में भी सोच सकते हो और या फिर इंट्राडे के लिए भी सोच सकते हो कल के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले रिजल्ट देखना है। रिजल्ट बेकार आया है तो आप इसको सेल करने के बारे में सोच सकते हो, अच्छा आया है तो आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट को, इनकम देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे, जो मूल प्रॉफिट होती है उसको देखेंगे, बस इतना ही, और इससे ही सारा आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों पहली जो कंपनी है उसका नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों मैं जो रिजल्ट आपको बताता हूँ शाम को, उससे आप ट्रेड ले सकते हैं। वो ट्रेड के लिए ही मैं आपको बताता हूँ, आप कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के रिजल्ट को। यह कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ क्लीन साइंस भी लिस्ट हुई थी और तत्व चिंतन भी लिस्ट हुआ था कुछ दिन आगे पीछे, ये तीनों कंपनियां साथ में लिस्ट हुई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों आ गए हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे, जैसा कि आप यहां पे पढ़ सकते हो, यहां पे आपको सभी वैल्यू लाख में मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे तीन क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम, सितंबर 21 से सितंबर 22 की तुलना करेंगे, यानी हम इसे ईयर ऑन ईयर कहेंगे, और जब जून से तुलना करेंगे, जून 22 का रिजल्ट है, तो हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट पे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल इनकम में शो हो रहा है। टोटल इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो इसका मेन इनकम होता है, और अदर इनकम यानी जो और कुछ काम करके कंपनियाँ कमाती हैं उसे हम अदर इनकम में गिनते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब इसके नंबर्स पे, जो कि टोटल इनकम हम बात करेंगे सितंबर 21 की। तो आप देखिए 1,90,000, हम मोटा मोटी लेके चल रहे हैं, 1,90,000 रुपए जो है कि कंपनी का इनकम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है सितंबर 21 में, जो कि बढ़ के हो गया है 2,16,164। यहाँ पे आप मोटा मोटी देख सकते हो कि कितने की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों मोटा मोटी आप दोस्तों अगर इसको पढ़ेंगे तो 26 लाख की बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी, 21 लाख की बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ेगी कंपनी के ईयर ऑन ईयर इनकम में, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 270 से 216 हो गया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसकी जो इनकम है वो घट गई है। सीधा सीधा आप देख सकते हैं 70 में से 16 बढ़ा देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि कंपनी का कितना का इनकम का नुकसान हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी 54 लाख रुपए का कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले नुकसान हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 54 लाख का कंपनी ने नुकसान उठाया है और यहाँ पे आपको 21 लाख का फायदा दिखाई देगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, इसके प्रॉफिट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए और आपको इन नंबरों पर ध्यान रखना है। दोस्तों आप देखिए कि सितंबर 21 में कंपनी 18,860 लाख रुपए का कंपनी प्रॉफिट अर्न की थी, जो कि बढ़ के आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे इस नंबर पे आप ध्यान देना दोस्तों, 33,622 लाख रुपए हो गया। दोस्तों यानी इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर कहें तो, ईयर ऑन ईयर की हम बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में 78% की जंप आपको दिखाई देगी, यानी पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर में कंपनी ने 78% ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। आप यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको 7,000 लाख का नुकसान देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 7,000 लाख का नुकसान देखने को मिल रहा है, यह बराबर है दोस्तों 16% की, यानी 16% की गिरावट कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ही EPS प्रभावित होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 19 से 34 हो गया। अब वहीं क्वार्टरली तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों जो क्वार्टरली गिरावट होती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, जब ईयर ऑन ईयर गिरावट आती है तो उसे हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हम ओके कहेंगे इसके रिजल्ट को, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं कहेंगे, अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। अगर यहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती तो सोने पर सुहागा हो जाता। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ दोस्तों। दोस्तों जो अगला स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्री, आप इसके बारे में जानते होंगे, एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, आपने इसके अंडर बियर वगैरह यूज किए होंगे तो किए होंगे, काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट होते हैं, आपको यूज करना चाहिए एक बार। तो आइए देख लेते हैं इसके भी नंबर्स को, कंपनी ने कैसे नंबर्स पेश किए हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी सभी नंबर लाख लाख में है, और यहाँ पे मैं सितंबर 21 से सितंबर 22 की तुलना करूँगा, और फिर उसके बाद सितंबर 22 से जून 22 की तुलना करने वाले हैं हम लोग, तो देखेंगे कि इसके इनकम में जंप आया है कि नहीं। आप ये वाले नंबर पर ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पे है 39,100 लाख रुपये का कंपनी ने इनकम जनरेट किया था सितंबर 21 में, जो कि घट के हो गया है 34,230 लाख रुपये। यानी आपको ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कितने की दोस्तों? तो 5,000 लाख की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। अगर हम यही कहें बात करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, तो आपको मोटा मोटी 2,000 लाख की गिरावट कंपनी के इनकम में दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके इनकम में कंपनी की गिरावट दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। दोस्तों आप देखिए कंपनी के अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रॉफिट में भी डेंट लगा हुआ है। कंपनी की आपने इनकम को तो देख लिया, इनकम में भी डेंट है, लेकिन इसके प्रॉफिट में भी डेंट लगा हुआ है देखिए, और वो भी अच्छा खासा डेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों कंपनी जो सितंबर 21 में रिजल्ट पेश की थी उसमें 4,375 लाख रुपये का कंपनी ने मुनाफा कमाया था, जो कि घट के अब हो गया है 1,728 लाख, यानी 1,728 लाख रुपये। अगर हम इसमें नंबर के बारे में पढ़ें कि कितने का घाटा हुआ है नंबर के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि 2,647 लाख रुपए का कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है इस क्वार्टर में, यानी ईयर ऑन ईयर। दोस्तों अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म में देखें तो दोस्तों यह 2,647 आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यह 2,647 60% के करीब की गिरावट दिखाई पड़ रही है दोस्तों। ये ईयर ऑन ईयर की गिरावट है, यानी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आपको भारी करेक्शन देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। अब हम चलते हैं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पे। आप देख पाएंगे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर 2,696 लाख रुपए है दोस्तों। आपको सीधे सीधे 1,000 लाख की गिरावट देखने को मिल रही होगी, 1,000 लाख ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर गिरावट होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों आप EPS के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा आया होगा। आप देखिए कि EPS 7.72 था सितंबर 21 में, जो कि घट के हो गया है 3। EPS भी उसी फॉर्म में घट जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो कंपनी का जून में प्रॉफिट था, जून में EPS था, वो 4.75 था, वो घट के हो गया है अब 3। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों तौर पे EPS और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी डेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का रिजल्ट पुअर आया है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप इसको लेने के लिए सोच रहे हो तो इसमें जब करेक्शन आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, या फिर जब ये अपने सपोर्ट पे चला जाए, तो आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों आज की जो लास्ट कंपनी होगी IRFC, और आपको और रिजल्ट के बारे में जानना है तो आप मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, मैं वहाँ पर रिजल्ट के बारे में एक शार्ट नोट्स डाल दूंगा, आप उसे पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। दोस्तों IRFC के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके रिजल्ट के बारे में, क्योंकि यह कंपनी अभी तक अपने निवेशकों को रिटर्न नहीं दे पाई है और इसलिए लोग थोड़ा सा मायूस हैं। तो देखते हैं इसका नंबर कैसा है। नंबर तो ये बढ़िया पेश करती है, ना पता क्यों ये चल नहीं रही है। तो आइए देखते हैं इसके नंबर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी आपको डिविडेंट भी पे करेगी। देखिए यह डिविडेंट कितना पे करेगी दोस्तों, तो 0.80, यानी 80 पैसे का डिविडेंट पे करेगी, एक शेयर पे 80 पैसे। तो आपके पास जितना शेयर होगा दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लेना कि यह कितना डिविडेंट पे करने वाली है। फेस वैल्यू अभी भी 10 है इस शेयर का, ये बात ध्यान रखना। दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट में सभी वैल्यू जो है कि मिलियन में दी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है, मिलियन में है सभी वैल्यू। और इसके रेवेन्यू में कई चीज़ें शामिल है, जैसे कि जो इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें क्या क्या शामिल है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उसमें शामिल है इंटरेस्ट इनकम और साथ में शामिल है लीज इनकम। दोस्तों इसके अलावा कंपनी के पास डिविडेंड की भी इनकम आती है और साथ में कुछ अदर इनकम भी है। तो टोटल इनकम हम देखेंगे। टोटल इनकम दोस्तों देखिए, आप पिछले साल सितंबर 21 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 21 में 40,900 मिलियन का कंपनी ने इनकम जनरेट किया था, जो कि बढ़ के अब हो गया है 58,103 मिलियन। दोस्तों आपको कितने की बढ़त दिखाई पड़ रही है, तो सीधे सीधे आपको 12,000 मिलियन की बढ़त दिखाई पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 12,000 मिलियन की बढ़त दिखाई पड़ रही है ईयर ऑन ईयर, ये कंपनी का इनकम हो गया दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी का इनकम हो गया।
अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली में बात करें तो जून की आप देख सकते हो कि जून में 56,274 मिलियन का कंपनी ने इनकम जनरेट किया था, जो कि बढ़ के 58 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको 2,000 मिलियन की बढ़त दिखाई दे रही है। ये दोस्तों हो गया कंपनी का इनकम। अब चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे, जो मेन प्रॉफिट होता है उसके ऊपर। दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। आप यहाँ पे देख पाओगे हम आ गए हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो अगर इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे नज़र डालना, आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। 15,014 मिलियन का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था सितंबर 21 में, जो कि बढ़ के हो गया है 17,142 मिलियन। यानी आपको कितने की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है दोस्तों। नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में आपको 2,000 मिलियन की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ये आपका ईयर ऑन ईयर है, ये बात आपको याद रखना है, 2,000 मिलियन की। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट में आप देखेंगे कि कितने की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है दोस्तों। आपको सीधे सीधे आपको 500 मिलियन की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही होगी। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि कंपनी का कितना बढ़ गया इनकम और प्रॉफिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर हम इसे नहीं मानते दोस्तों। आपको इसके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर आपको 14% की वृद्धि दिखाई देगी, अगर हम इसे परसेंटेज की टर्म में कहें तो 14% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ कंपनी ने हासिल की है। ये 20% कम से कम 20-25% होना चाहिए था, ये थोड़ा सा करने वाली बात है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट ओके ओके है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये रहे कुछ कंपनियों के रिजल्ट, आपको कैसे लगे दोस्तों। IRFC का रिजल्ट ओके ओके है, लेकिन और जो दो कंपनियां मैंने बताई उसके बारे में आप सोचना। डॉलर जो है, डॉलर इंडस्ट्री, उसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एकदम बकवास रिजल्ट है, बस ये समझना आप। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।